पूरे इतिहास में दुनिया के अधिकांश हिस्से पर साम्राज्यों का शासन रहा है। एक साम्राज्य के रूप में माने जाने के लिए भूमि का विस्तार होना अति आवश्यक है तथा उसका राजनैतिक रूप से किसी सम्राट के अधीन होना या किसी छोटे समूह के नेतृत्व में होना भी आवश्यक है। दुनिया ने आज तक कई बड़े साम्राज्यों को देखा, किंतु उनके नेतृत्व मॉडल के अलावा उन सभी में केवल एक चीज कॉमन है कि उनमें से प्रत्येक गायब हो गए। दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्डोपीडिया के आज के वीडियो में, जिसमें हम आपको अतीत के कुछ बेहद दिलचस्प और बड़े साम्राज्यों को दिखाएंगे। नंबर 10, रशीदुन खलीफा साम्राज्य। इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद स्थापित चार प्रमुख खलीफाओं में से यह पहला खलीफा था। रशीदुन खलीफा ने मोहम्मद की विरासत को जारी रखा और 3 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर शासन किया, जो कि पृथ्वी के लैंड मास का 6% था। यह साम्राज्य तब शुरू हुआ जब 632 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। खलीफा एक धार्मिक रूप से शासित साम्राज्य होने के बावजूद यहां अन्य धर्मों पर विजय प्राप्त करने वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। अन्य धर्म के लोग इस साम्राज्य में जब तक खलीफा को टैक्सेस का भुगतान करते थे, तब तक उन्हें अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती थी। नंबर 9, पुर्तगाल साम्राज्य। पुर्तगाल साम्राज्य इतिहास का पहला वैश्विक साम्राज्य था, साथ ही सबसे लंबे समय रहने वाला मॉडर्न यूरोपियन कॉलोनियल साम्राज्य भी था। यह साम्राज्य 1415 में सेउटा पर कब्जा करने के साथ शुरू हुआ और 1999 में मकाऊ को सौंपने के साथ समाप्त हुआ। साम्राज्य की सबसे मूल्यवान कॉलोनी ब्राजील ने 1822 में अपनी स्वतंत्रता हासिल की। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भी पुर्तगाल के कब्जे से 1961 में आज़ाद हुआ, पर हम इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। नंबर 8, अब्बासी खलीफा साम्राज्य। यह इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी बनने वाले तीसरे खलीफा थे। अब्बासी खलीफा ने 4.29 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा किया था, जो कि पृथ्वी के लैंड मास का 7% है। इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी के रूप में दावा किया। इस साम्राज्य की जनसंख्या अज्ञात है। यह साम्राज्य 750 से 1258 ईस्वी तक चला। तुर्की सेना के सत्ता में आने के बाद ही अंततः इसकी समाप्ति हुई। नंबर 7, उमियाद खलीफा। यह पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद स्थापित चार खलीफाओं में से दूसरा था। उमियाद खलीफा ने 5 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा किया था, जो कि पृथ्वी के लैंड मास का 8% है। इस साम्राज्य में 720 से 750 तक कुल 62 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का 30% था। उमियाद की फैमिली की उत्पत्ति मक्का में हुई थी, लेकिन उन्होंने दमिश्क को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। नंबर 6, युआन राजवंश। युआन राजवंश ने 5.41 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा किया था, जो कि पृथ्वी के लैंड मास का 9% है। 1291 में साम्राज्य में लगभग 60 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का 17% था। युआन राजवंश की स्थापना चंगेज खान के पोते द्वारा की गई थी, जो कि 1771 में शुरू हुआ था। कुबलई खान इसके पहले शासक थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी दक्षिण सांग राजवंश की राजधानी पर कब्जा कर लिया और पूरे चीन को एकीकृत कर दिया। नंबर 5, चिंग राजवंश। चिंग राजवंश चाइना का आखिरी राजवंश था, जिसने कि 5.68 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा कर लिया था, जो कि पृथ्वी के लैंड मास का 10% था। साल 1851 में इस साम्राज्य में लगभग 432 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का 35% माना जाता है। इसकी स्थापना तब हुई जब चीनियों ने मंगोलों को हराया। चिंग राजवंश के अंत होने के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना ने सरकार संभाली। नंबर 4, स्पेनिश साम्राज्य। स्पेनिश साम्राज्य पहले वैश्विक साम्राज्य में से एक था। स्पेनिश साम्राज्य ने 7.72 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा किया था, जो कि पृथ्वी के भूभाग का 13% से अधिक माना जाता है।
1740 से 1790 के बीच साम्राज्य में कुल 68.2 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का लगभग 12% था। स्पेन का साम्राज्य कोलंबस के दिनों में शुरू हुआ था और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में 20वीं सदी तक चला था, जिस कारण से स्पेनिश अब दुनिया में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। नंबर 3, रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य लगभग 200 वर्षों तक चला। रूसी साम्राज्य ने 9.5 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा किया था, जो कि पृथ्वी के लैंडमास का 15% माना जाता है। 1913 में साम्राज्य में कुल 176.4 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का 9% से अधिक था। रूस यूरोप में अंतिम पूर्ण राजशाही था और प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में 5 महान शक्तियों में से एक था। 1971 में रशियन रिवॉल्यूशन के साथ रूसी साम्राज्य का अंत हो गया। नंबर 2, मंगोल साम्राज्य। मंगोल साम्राज्य दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा संहित साम्राज्य था। दोस्तों, संहित यानी एकत्रित या मिला हुआ। मंगोल साम्राज्य ने 9.15 मिलियन स्क्वायर माइल भूमि पर कब्जा किया था, जो कि पृथ्वी के लैंडमास का 16% से अधिक था। इस साम्राज्य में 1270 से 1309 के बीच 110 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का 25% से अधिक माना जाता है। मंगोल साम्राज्य चंगेज खान के तहत मंगोलों और तुर्की जनजातियों के एकीकरण से उभरा। मंगोलों ने साम्राज्य के दौरान विभिन्न तकनीकियों और विचारधाराओं में प्रगति हासिल की। 1331 में ब्लैक डेथ ने मंगोलिया में अपना प्रकोप शुरू किया और साम्राज्य को अपनी लंबी व धीमी गिरावट में लाया, जो कि 1783 में रूस द्वारा अपने कब्जे के साथ समाप्त हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ब्रिटिश साम्राज्य में 1938 में 458 मिलियन लोग थे, जो कि दुनिया की आबादी का 20% से अधिक था। ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत विदेशी ट्रेडिंग पोस्ट से हुई थी और अंत में इसमें प्रभुत्व, संरक्षक और जनादेश भी शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध का वित्तीय बोझ ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के अपने क्षेत्रों पर कब्जा और 1947 में भारत की आज़ादी ने ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े साम्राज्य। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।